इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एकेटी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको कौन सी डिटेल्स फिल करनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और अपने चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे और उसमें आप सर्च करेंगे erp.aktu.ac.in या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ऊपर आप अपना यूजर आईडी डालेंगे और नीचे पासवर्ड डालेंगे, फिर आई एम नॉट रोबोट पर आप टिक करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका ईआरपी लॉगिन नहीं हो रहा है तो नीचे से जो यह पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो फिर लॉगिन करने के बाद ये ऊपर कुछ नोटिफिकेशन लिखा है, एकेटी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इसको आपको क्लोज कर देना है और आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको रिज्यूम अपडेट करना है पिछले सेमेस्टर का। तो इसके लिए आप जो ये UIIC डैशबोर्ड है, इस ऑप्शन को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो रिज्यूम बिल्डर्स लिखा है, इस ऑप्शन को आप ओपन करेंगे। ऑप्शन ओपन होने के बाद यहाँ पर आपने जो पहले रिज्यूम अपडेट किया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स में भी नहीं, रिज्यूम डिटेल्स में भी नहीं, आपको यहाँ पर सेमेस्टर डिटेल्स में अपडेट करना है। तो आप सेमेस्टर डिटेल्स ऑप्शन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने ये थर्ड ईयर का फॉर्म ओपन किया है। तो इन्होंने यहाँ तीन सेमेस्टर का डिटेल्स फिल कर रखा है, चौथे सेमेस्टर का डिटेल्स अभी भी इन्होंने यहाँ फिल नहीं किया है। तो ये डिटेल्स इनको फिल करनी पड़ेगी। जो तो यहाँ से वो अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप फोर्थ ईयर में हो तो यहाँ पर आप पांचवें सेमेस्टर, छठे सेमेस्टर तक डिटेल्स फिल करेंगे। सेकेंड ईयर में आप यहाँ तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का डिटेल्स आप यहाँ पर आप फिल करेंगे। इस ऑप्शन में आपको परसेंटेज डालना है कि आपको उस सेमेस्टर में कितने परसेंट मिले हैं। फिर इस ऑप्शन में आपको डालना है कि आपके बैक लगे हैं कि नहीं लगे। अगर जो बैक लगे हैं तो यहाँ पर आपको बैक फिल करना है और नहीं लगे हैं तो यहाँ पर आपको जीरो ऑप्शन फिल रहने देना है। और अगर जो आपके बैक लगे हैं तो अभी तक आपने बैक क्लियर किया है कि नहीं, इसको यहाँ पर आपको फिल करना है। तो फिर डिटेल्स फिल करने के बाद यह जो ऐड का ऑप्शन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो ये सेमेस्टर है चौथा हमने ऐड किया है, ये ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा चौथा सेमेस्टर ऐड हो चुका है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट रिज्यूम का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपने रिज्यूम को अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर श्योर मांग रहा है कि आप श्योर हैं अपडेट करना चाहते हैं कि नहीं, तो हम इसको ओके कर देंगे, अपना रिज्यूम अपडेट करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा रिज्यूम अपडेट हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन भी हमें मिल चुका है। तो इसको आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। और हम इस वीडियो में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कैसे फिल करना है, क्योंकि आपको हम दिखा दे रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट अभी सही से शो नहीं कर रहा है, ये एकेटीयू के सर्वर के प्रॉब्लम की वजह से है। तो हम यहाँ पर गो टू मेन डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं और डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर हमें जो एग्जामिनेशन फॉर्म डैशबोर्ड है, इस ऑप्शन को ओपन किया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 28 अक्टूबर 2020 से 5:30 बजे से ये ऑप्शन ओपन कर दिया गया है और ये 21 नवंबर 2020 तक है। अभी तक लेट फाइंड कुछ नहीं है यहाँ पर। फिर हम गो पर क्लिक करेंगे। तो गो पर क्लिक करने के बाद तो हमारे सामने एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी तक सब्जेक्ट अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट अभी जो हमारे सीनियर लोग जो पढ़ते थे वो सब्जेक्ट का कोड यहाँ पर है और वही सब्जेक्ट है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट कोड है BP 501 BP 502, लेकिन ये देखिए यहाँ पर लिखा है RPH 521 यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन फॉर्म के जो डिटेल्स हैं वो सही से नहीं दिए गए हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म अभी आप ना फिल करिए। जब ये अपडेट हो जाएगा तो मैं उसका भी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।